मनासा तहसील मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर परदा गांव के समीप पटियार डैम पर एक युवक के डूबने से मौत हो गई है, जिसकी जानकारी मिलने पर थाना मनासा से टीम मौके पर पहुंची और युवक को ढूंढने की कवायद शुरू हुई, जिसमें पहले मछुआरे की मदद ली गई लेकिन किसी तरह की सफलता न मिलते देख NDRIF की टीम को बुलाया गया, लेकिन 28 घंटे बीत जाने के बाद भी उक्त युवक की लाश का कोई भी पता नहीं चल पाया है। SDREF की टीम को द्वारा लगातार सर्चिंग भी जारी है। कोई सुराग न मिलने पर पुलिस उक्त मामले में जितने भी साथी थे नहाने के दौरान उन सबके अलग अलग पूछताछ कर रही है और साथ ही युवक की तलाश भी जारी है। हमारे 8 जवान लगे हुए हैं, अभी तक ऐसा कोई सुराग नहीं मिला। टीम लगी हुई है, रेस्क्यू कर रही है और कल 3 बजे से हम लोग लगे हुए, अभी तक ये टाइम हो गया है, अभी तक कोई सफलता नहीं मिल रही है। पुलिस प्रशासन भी है हमारे साथ और SDRF और होमगार्ड दोनों लगी हुई है, उसके बावजूद भी अभी तक नाव भी घुमा रहे हम पूरे उसमें 6-6, 8-8 चक्कर हमने नाव के लगा लिए हैं, बलाई भी डाल रहे हैं और अंदर तैर के भी देख रहे हैं, फिर भी हमें अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। 28 घंटे के करीब हमें हो गए हैं ढूंढते ढूंढते। नीमच जिले के मनासा से बद्रीलाल गुज्जर की रिपोर्ट।